गिरफ्त में ले लेती है। जनाब एजाज बिस्मिल गजल का वो नया नया और अनोखा लबो लहजा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और गजल के दौर का बाकायदा आगाज करें। गुफ्तगू आपसे कम कम होगी, शायरी ज्यादा सुनने को मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अरकम ग्रुप की इस खूबसूरत कोशिश के लिए तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दरमियान में जरासी आपसे और गुफ्तगू होगी। इस वक्त जनाब एजाज बिस्मिल से सिर्फ शायरी के लिए मैं उन्हें दावत देता हूँ कि दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ऐ दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है यहाँ पहला कदम रख। तो ये पहले कदम जनाब एजाज बिस्मिल की सूरत में इस शेरी महफिल में तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और अपनी गजल कलापुर की खूबसूरत समातों से जुड़ जाए। जनाब एजाज बिस्मिल, जिंदगी जिंदगी बेदार है, बेदार है और जिंदगी पैदा करते रहे मुशायरे में। मुझे बड़ा एतबार है आपके, बड़ा एतमाद है, मैं बहुत यकीन और भरोसे के साथ बालापुर आता हूँ। उसने हमें पुकार के क्या कुछ नहीं कहा, उसने हमें पुकार के क्या कुछ नहीं कहा, पूछा जो क्या कहा तो कहा कुछ नहीं कहा। देखो एजाज ये मतलब आपका पहुंच गया, लोगों ने तालियां बजाई। एक मतलब और क्या कहने, वाह वाह। उसने हमें पुकार के क्या कुछ नहीं कहा, पूछा जो क्या कहा तो कहा कुछ नहीं कहा, खुश हो रहा हूँ कितना मैं इकरार है इश्क पर, हालांकि उसने हूँ के सिवा कुछ नहीं। खुश हो रहा हूँ कितना मैं इकरार है इश्क पर, हालांकि उसने हूँ के सिवा कुछ नहीं कहा, क्या कहने? मैंने बस इतना कहा इश्क की तस्वीर बना, मैंने बस इतना कहा इश्क की तस्वीर बना, फिर मेरे जख्म बने और तेरा तीर बना, फिर मेरे जख्म बने और तेरा तीर बना। ऐ इश्क का साया मुझ पर एक जमाने में बड़ा फिरता था मैं पीर बना। अब ये हालत है कि है इश्क का साया मुझ पर एक जमाने में बड़ा फिरता था मैं पीर बना। एक मतलब शेरी भी सुने के तमाम दुनिया इसे एक साथ का गम करेगी, तमाम दुनिया इसे एक साथ का गम करेगी, वो जब हथेली पे नाम मेरा रकम करेगी। क्या कहने, क्या कहने? वो जब हथेली पे नाम मेरा रकम करेगी, वो खूबसूरत है सादगी में बला की यारो, सवर के आए तो सोचो कितना सितम करेगी। बिजलियाँ तन्हाइयाँ और सर्द रात, तुम ही सोचो ऐसे मौसम में बिछड़ना ठीक है। फकत उसको दिलाना है मोहब्बत का यकीन, उसकी अम्मी ने तो कह रखा है लड़का ठीक है। शहर की पहचान हो गया, सबसे अमीर शहर परेशान हो गया, उसकी भी शादी हो गई मेरी भी हो गई, उसकी भी शादी हो गई मेरी भी हो गई, एक फैसले से चार का नुकसान हो गया। ये शेर भी पढ़ दो इजाज़। एक फैसले से होती हुई किस्मत का धुआं होता क्या, राख होती हुई किस्मत का धुआं होता क्या, मैं अगर इश्क ना करता तो यहाँ होता क्या। मुबारकबाद, क्या खूबसूरत मतलब है, वाह 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 वाह। फिर पढ़ने एक मतलब, पूरा मजना बताए, पूरा मजना बताए, बहुत अच्छा मतलब पढ़ा। राख होती हुई किस्मत का धुआं होता क्या, मैं अगर इश्क ना करता तो यहाँ होता क्या, वो तो एहसासे मोहब्बत का करम है हम पर, वरना इंसान बुढ़ापे में जमा होता क्या। फूलों के रस में चांद की किरणें मिला के ला, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला।
राख होती हुई किस्मत का धुआं होता क्या, मैं अगर इश्क ना करता तो यहाँ होता क्या, वो तो एहसास मोहब्बत का करम है हम पर, वरना इंसान बुढ़ापे में जवां होता क्या। एक मतलब एक शेर और सुने के हो जाए ये करिश्मा मोहब्बत में एक बार, हो जाए ये करिश्मा मोहब्बत में एक बार, लिख दे खुदा उसे मेरी किस्मत में एक बार, लिख दे खुदा उसे मेरी किस्मत में एक बार, और हासिल है मुझको उनसे मुलाकात का शरफ, ख्वाबों में बार बार हकीकत में एक बार, हासिल है मुझको उनसे मुलाकात का शरफ, ख्वाबों में बार बार हकीकत में एक बार, तमाशाए मोहब्बत करके जाना हमें अहले अजियत करके जाना, तमाशाए मोहब्बत करके जाना हमें अहले अजियत करके जाना, मेरी दुनिया से रुखसत होने वाले मुझे दुनिया से रुखसत करके जाना, मेरी दुनिया से रुखसत होने वाले मुझे दुनिया से रुखसत करके जाना, यार जब से जुदा हुआ है तू मेरे अंदर बसा हुआ है तू, यार जब से जुदा हुआ है तू मेरे अंदर बसा हुआ है तू, तू तो चुपचाप ही रहा कर दिल दुश्मनों से मिला हुआ है तू, तू तो चुपचाप ही रहा कर दिल दुश्मनों से मिला हुआ है तू। एक मतलब एक शेर और आप लोगों से इजाजत। अब मतलब यह है कि वक्त मिलता ही नहीं उसको इशारे के लिए, वक्त मिलता ही नहीं उसको इशारे के लिए, हम तो बैठे हैं यहाँ अपने खसारे के लिए, हम तो बैठे हैं यहाँ अपने खसारे के लिए, लोग कांधों पे लिए यूं ही नहीं फिरते हैं, मरना पड़ता है मियाँ ऐसे नज़ारे के लिए, मुझे जो एतबार था और मुझे जो लग रहा था अंदाज़ा मुझे लग रहा था कि आप लोग वाकई बहुत प्यासे लोग हैं, इतने अक्सर से मुशायरा नहीं होगा, आपने बता दिया कि आप लोग गज़ल की दहलीज से प्यासे बैठे हुए थे और जनाब एजाज बिस्मिल ने आपको सैराब कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एजाज बिस्मिल के लिए, ज़ोरदार तालियाँ अपने लिए तालियाँ, बहुत खुश देखा जाता अश अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरी गजलों की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। दिल लगाया था किसी से, दिल लगाकर बच गया, वाह, दिल लगाया था किसी से, दिल लगाकर बच गया, यानी मैं तो मौत से आंखें मिलाकर बच गया, क्या कहने हैं, क्या कहने, यानी मैं तो मौत से आंखें मिलाकर बच गया, मुझको हैरत है दिल लगा को हैरत है कि उसने जख्म इतने दे दिए, मुझको हैरत है कि उसने जख्म इतने दे दिए, उसको हैरत है कि इतने जख्म खाकर बच गया, एक मतलब एक शेर और आप लोगों की मोहब्बत। उस पे इल्जाम धर ही जाते हैं, उस पे इल्जाम धर ही जाते हैं, ऐसा करते हैं मर ही जाते हैं, उस पे इल्जाम धर ही जाते हैं, ऐसा करते हैं मर ही जाते हैं, चलती गाड़ी में बैठने वाले रास्ते में उतर ही जाते हैं, वाले रास्ते में उतर ही जाते हैं। दोस्तों खूबसूरत महफिल मुशायरा, और मुझे जिस बात